हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स गेम ओवर का दूसरा भाग। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। शूटर नहीं, क्या नहीं, कोई मेरा हाथ पीछे से खींच रहा है, मैं गोली नहीं चला पा रहा हूँ। पर तेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। चौकड़ी, तुम अभी जिंदा हो, यानी यानी बाकी तीन भी जिंदा हैं। पर कैसे, कहाँ है तेरे बाकी यार? एक तो मेरे पीछे है, दूसरा तुम्हारे पीछे है, और तीसरा तुम्हारे प्लान के पीछे है। यानी यानी ये तुमसे मिले हुए थे डबल क्रॉसर्स, वह तो तुम हो। इनको मारने की कोशिश मैंने नहीं की, पर मैंने अपनी आंखों से इनकी कार को फटते हुए देखा था। एग्जैक्टली, कार को देखा था, इनको नहीं। ये तो गेट से बाहर निकलते ही तुम्हारा ब्रीफकेस कार में ही छोड़कर नीचे उतर गए थे, और कार को गियर में चलाकर छोड़ दिया था। इनको तुम्हारे कैमरों की पोजीशन पता थी, ये वहां उतरे जहां तुम्हारा कैमरा इनको देख ना सके। पर ये हुआ कैसे? इनको कैसे पता चला कि मैंने इनको ब्रीफ केस में पैसों के नीचे बम छुपा कर दिया था? मैंने इनको आगाह कर दिया था। दरअसल जब मुझ पर स्टैचू का असर नहीं हुआ तो इनको सच्चाई पता चल गई, और इन्होंने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। पर मुझे शक था कि इनका काम खत्म होने के बाद महामाफिया यानी तुम इनको जिंदा नहीं छोड़ोगे, इसीलिए इन्होंने ब्रीफ केस को की पूरी तरह तलाशी ली होगी, बम ढूंढ निकाला होगा। एग्जैक्टली, पहले हमको ध्रुव की इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि तुम हमें डबल क्रॉस भी कर सकते हो, पर सच्चाई सामने आते ही हमने वापस लौटकर ध्रुव की मदद करने का फैसला ले लिया। अच्छा किया, वैसे अपने बंधन काटने के लिए मेरे हाथों में स्टार ब्लेड भी था। चलो अब तो हार मान लो, मेकअप कर। हार मान लूं? अरे तू महान क्राइम किंग मेकअप कर से बात कर रहा है, टुच्चे क्राइम फाइटर। हार या जीत का फैसला लड़ाई खत्म होने पर होता है, और यह लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। ये तो लिपस्टिकें हैं, हम मर्द हैं, लिपस्टिकों से मरना हमारी शान के खिलाफ है। बच्चों, इन लिपस्टिकों पर लेजर टिप है। आउ, इन मामूली वारों से तुम हम सबको काबू में नहीं कर सकते, मेकअप कर। जानता हूं ये तो सिर्फ ध्यान बटाने के लिए थे, ताकि मैं इनका यूज कर सकूं। ये हाई पावर ड्रायर बालों के साथ साथ पूरे इंसान को सुखा देते हैं। सिर्फ आधा मिनट लगता है जिंदा इंसान को मम्मी बनाने में। आह, उफ, ये तो आह, उफ, मैं तो कभी अनुमान तक नहीं लगा सकता कि हवा इतनी गर्म भी हो सकती है। आह, ये तो बहुत तेजी से शरीर की सारी नमी को सोख रहा है। इस गर्म बवंडर को पार करके इस तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। आह, एक तो गर्मी से मेरी शक्ति सीन हो रही है, दूसरे हवा का दबाव बहुत तेज है। अब जल्दी ही कुछ करना होगा, पर आह क्या। यस, ये ब्लोअर जितनी तेजी से हवा फेंक रहे हैं उतनी ही शक्ति से खींच भी रहे होंगे। वृष, ये कालीन थोड़ा भारी जरूर है, पर हवा गर्म भी है और तेज भी। अब अगर मेरा ख्याल ठीक है तो ये हवा के बहाव पर तैरता हुआ सीधे उधर जाएगा, जिधर से हवा को तेजी से खींचा जा रहा है। कालीन हवा के दबाव के कारण हवा के एंट्री पॉइंट पर चिपक जाएगा, और किसी भी चलते ब्लोअर में हवा आने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो ब्लोअर को फूकते देर नहीं लगेगी। अब तुम्हारा खून सूखने की बारी है, मेकअप कर। दोस्तों, प्रोडक्ट को यहां से बाहर लेकर जाओ। मैं इससे तरुण का पता उगलवा कर अभी आता हूं। खेल खत्म हो चुका है, मेकअप कर। अब अगर अपने लिए मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहते हो तो तरुण का पता बता दो। बस
मेरा मेकअप बहुत खराब कर लिया तूने, अब एक भी हरकत की तो हाई वोल्टेज का एक ही झटका इस लड़की का खून अलग और पानी अलग कर देगा। आगे मत बढ़ना, वहीं खड़े रहना, वरना नताशा से हाथ धो बैठोगे। उफ, किस तरफ गया होगा मेकअप कर? राख, हाँ छोड़ कमीने, छोड़, अब तू बच नहीं सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये तो तरुण और मेकअप कर की आवाजें हैं। तरुण जी? हाँ ध्रुव, तुम? ओह आई एम सॉरी ध्रुव, मैंने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की पर वह भाग निकला। कोई बात नहीं, पर वह किस तरफ भागा है? उस तरफ, भ्रूश। हाँ मेरा सिर, तरुण जी उफ, अभी उसका पीछा करने के बजाय इनको और प्रोडक्ट को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब ठीक हूँ ध्रुव, कोई खास चोट नहीं लगी है, पर पहले उस मास्टरमाइंड को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। वही है जिसने उन बोनों को शक्ति दी है। नहीं तरुण जी, कोई शक्ति नहीं दी है, स्टैचू और बाकी शक्तियाँ चमत्कार या मंत्र शक्ति नहीं, हाथ की सफाई की शक्ति थी। और बाकी बातें आप खुद उन बोनों से ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब वे मेरे साथ हैं। तुम्हारे साथ कहाँ? बाहर है, प्रोडक्ट के साथ मेरी राह देख रहे हैं। प्रोडक्ट? ये क्या चीज़ है? प्रोडक्ट आपके बगल में बैठा चलता फिरता इंसान है, और इस सारी हलचल का कारण भी यही है। समझा, तब तो यहाँ पर मेरा काम ही खत्म हो गया। इतना बड़ा धोखा मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, अगर खाया होगा तो पता नहीं चला। पर तुमने मेरी आंखें खोलने में मेरी मदद जरूर की है ध्रुव, इसलिए मैं जाने से पहले नताशा को बचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा ध्रुव। वो कैसे? रोबो का पता बताकर। वह या तो मेकअप कर का पता जानता होगा या नताशा को बचाने के लिए प्रोडक्ट की कुर्बानी देगा। पर आप रोबो का पता कैसे लगाएंगे? तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत को नहीं जानते हो ध्रुव, हमें सूचना देने वाले पूरी दुनिया की हर गली हर मोड़ पर मौजूद है। रोबो जहाँ पर भी होगा उसका पता हमको चल जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तरुण जी, रोबो अपने आप को यानी प्रोडक्ट को लेने के लिए खुद हम तक आएगा, हमको उस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तरुण 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 जी, आप ठीक तो है ना? आप एकदम चिंता ना करें, मैंने इनको अपने इन हाउस डॉक्टर से चेक करा दिया है। आप चलिए मेरे साथ घर चलिए। ओह मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। भगवान ना करे आपको कुछ हो, पर जरा सा काम कर लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? अभी आराम का वक्त नहीं। तरुण जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे मेल या फोन कर दीजिएगा। ठीक है ध्रुव, वैसे मुझे अपने ऑफिस में रिपोर्ट भी भेजनी है। मामला जितना सुलझता नजर आ रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। स्थिति घूम फिर कर फिर से वहीं पर आ गई है। प्रोडक्ट हमारे पास है पर अब नताशा बंधक है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं मेकअप करके अगली चाल क्या होगी। अगर मुझे रोबो का पता मिल जाता तो। कभी कभी भगवान इंसान की पुकार को सुन ही लेते हैं, और इंसान सोचता है कि भगवान ने मेरी सुनी क्यों। ब्राह्म, ये क्या कमांडो हेडक्वार्टर पर हमला? इतना दुस्साहस किसमें हो सकता है? मेकअप कर में नहीं, ये रोबो के आदमी है, और अगर मेरा ख्याल सही है तो इनके इस दुस्साहस का कारण है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ढूंढो, कमांडोज को आज पहली बार किसी ने इस तरह से चुनौती दी है। थैंक गॉड, मुझे अपनी लेटेस्ट सिक्योरिटी डिजाइन को रियल सिचुएशन में टेस्ट करने का तो मौका मिला। पीटर, अरे यार ये भी गायब। ध्यान से देखना कैप्टन। कैप्टन,
कैप्टन, आज सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम ही टेस्ट नहीं होगा, बल्कि कमांडोज का भी टेस्ट होगा कि वे ऐसी सिचुएशन के लिए कितने तैयार हैं। वह गंजा बच्चा किधर है बताओ, वरना उसके तो सिर के सिर्फ बाल ही उड़े हैं, तुम्हारे सिर उड़ जाएंगे। हम डर गए। यू डेयर जोक, नाउ फेस बुलेट्स। सॉरी किड्स, व्हाट द धम। सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, रूल जो तोड़ा है। कमांडो हेडक्वार्टर में गन्स लाना मना है, रूल नंबर 45A। पर हर हथियार को सिक्योरिटी सिस्टम रोक नहीं सकता था। वेपन रिकॉग्नाइज्ड, टू टारगेट लॉक्ड इन, टू टास्क न्यूट्रलाइज, प्रोसेस इनिशियलाइजिंग। वो मारा, लेवल वन और लेवल टू ने तो परफेक्ट काम किया। अब लेवल थ्री की बारी है। गोलियां मत चलाना, हमको तो गोली से बचने की ट्रेनिंग दी गई है, पर तुमको शायद नहीं दी गई है। हमको गोलियों से बचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम दूसरों की को गोली चलाने का मौका नहीं देते। हम दूसरों की नहीं, तुम्हारी ही गोलियों की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? तुम्हारी गोली के पहले धमाके ने इस कॉरिडोर की स्फेरिकल मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट कर दिया है। वही फील्ड गोलियों को अपने इशारे पर नचा रही है। हर तरह की सिक्योरिटी डिवाइस अजमाई जा रही थी और बलि के बकरे बन रहे थे रोबो गार्ड्स। पर सभी नहीं, नंबर 24 कोई जवाब नहीं दे रहा है कमांडर। इसके अलावा नंबर 11 के साथ साथ 15, 18 और 44 से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमने सोचा था कि इन बच्चों से निपटना बच्चों का खेल होगा, पर ये हमारे लिए तैयार हैं। अगर ऐसा है तो हमको भी अपनी तैयारी दिखानी पड़ेगी। इंफ्रा रेड जैमर ऑन करो, वह सभी तरंगों को ब्लॉक कर देगा। इनका कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम कमांड तो देगा, लेकिन सिक्योरिटी गैजेट्स कमांड नहीं लेंगे। व्हाट द ब्लास्ट प्रूफ फाइबर ग्लास स्क्रीन फर्श से ऊपर उठी क्यों नहीं? मेरे कमांड्स एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? अलर्ट अलर्ट ऑल कैडेट्स, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी खतरे से खुद सावधान रहे। सिस्टम रिएक्टिवेट होने तक हथियारबंद हमलावरों से बच कर रहे। मुझे पता था कि ये निहत्ते पिद्दी रोबो आर्मी का सामना कभी नहीं कर सकते। धाड़! रोबो गार्ड तेजी से एक एक करके कम हो रहे थे, लेकिन उनका अपने मकसद को पूरा करने का जज्बा कम नहीं हो रहा था। कमांडर, बायोस्क्रीन पर प्रोडक्ट नजर आ रहा है, वह इसी तरफ है, पर तुम उस तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि टूटी टांग वाले इंसान को मैंने अभी तक चलते नहीं देखा है। ध्रुव, सुना है तू गोलियों से बच लेता है, पर ये AK-150 है, 1 सेकंड में 20 गोलियां दागती है, और तेरे बचने के लिए आसपास जगह भी ना काफी है। मुझे हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू ट्रिगर को दबा ही नहीं पाएगा। और इससे पहले कि तू स्टार ब्लेड निकालने के लिए हाथ उठाए, तेरे हाथ का संपर्क तेरे दिमाग से कट चुका होगा। गुड नाइट। अगर इस ऑपरेशन का फैसला बंदूकों से नहीं, हाथों से ही होना है, तो ऐसा ही सही। पर ग्रिजली अपने ग्रैंड मास्टर का आदेश पूरा करके ही जाएगा। रोबो के आदमी दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, ये तो मैं जानता हूं, पर ये तो अपने दर्द तक को महसूस नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि टूटी टांगों वाला इंसान चल पाता है या नहीं। राख! आह, इसमें तो हाथी जैसी सारी शारीरिक शक्ति है। अब पता नहीं इस हाथी को स्टार लाइन बांध पाएगी या नहीं। नहीं बांध पाई। धाड़! अख, अब तेरी रस्सी, तेरी ही गर्दन और तेरा ही फंदा। जितनी जोर से चाहे मार,
बिजली के दिमाग में वह हिस्सा ही नहीं है जो दर्द को महसूस कर सके। आंख, तेरी मौत से यह तय हो जाएगा कि जीत ताकत की होती है, दिमाग की नहीं। आउच। कमाल का नमूना है। मैंने इसकी बाजू के खास नर्व पॉइंट्स पर आलपिने चुभाकर उनको एक्यूपंक्चर पद्धति द्वारा सुन कर दिया है। अख, पर इसकी पकड़ अभी भी उतनी ही दमदार है। अख, आह, लगता है जैसे टनों भारी चट्टान मेरे ऊपर आ गिरी हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। ये क्या किया तुमने? आ अर ध्रुव, ध्रुव, रोबो को बचा। वह बिजली की फुसफुसाहट वैसे भी अस्पष्ट थी, पर उस शोर ने उसको पूरी तरह से डुबो दिया। कैप्टन, कैप्टन, आर यू ओके? हाँ, लेकिन प्रोडक्ट ने अभी जैसा वायलेंट बर्ताव किया उससे मुझे चिंता हो गई। सुनो, इस रोबो कमांडर और घायल रोबो गार्ड्स को तुरंत फर्स्ट एड देकर अस्पताल पहुंचाओ, बाकियों को पुलिस के हवाले कर दो। ओके, पर इससे भी बड़ी मुसीबत आ धमकी है। अभी अभी मेकअप कर का वीडियो मैसेज आया है ईमेल से। क्या मैसेज है? बात बताने की नहीं, दिखाने की है। सुपर कमांडो ध्रुव, झगड़े में मैं तुमको मेन काम बताना तो भूल ही गया। रोबो से प्रोडक्ट के कोड को लाने का काम। अब तुम पूछोगे कि ये काम मैं क्यों करूं? तो वह इसलिए क्योंकि तुमको नताशा को जिंदा बचाना है। हीरो यही करता है ना, मुसीबत में पड़ी लड़की को बचाना। तुम्हारी प्यारी नताशा अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बेहोश पड़ी है। इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर कोई भी इंसान इस तापमान में 2 घंटों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अब इन 2 घंटों के अंदर तुमको रोबो तक पहुंचना है, उससे कोड उगलवाना है और फिर प्रोडक्ट को लेकर मेरे पास आना है। पता तुमको बाद में बता दिया जाएगा। दूसरा मैसेज तुमको अब से 1.5 घंटे बाद मिलेगा, पर रोबो तुमको कहाँ मिलेगा यह मैं तुमको अभी बताऊंगा। सुनो, ध्रुव एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हर पल बदलते एक एक दृश्य पर भी उसकी नजरें गड़ी हुई थी। मैसेज ओवर, अब क्या करना है कैप्टन? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं कैप्टन? मैसेज को फिर से चलाओ क्रीम, स्टॉप, जूम करो। यस, चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।